हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना यादव स्टिचिंग बुटीक। मैं हूं भावना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। फ्रेंड्स, ये कुर्ती हमने बचे हुए टुकड़ों में से बनाई है। मेरे पास कुछ कपड़े रखे थे जिसमें से मैंने ये कुर्ती बनाई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी कुर्ती बनी है हमारी। बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रहा है इस कुर्ती का हमारा। एंड डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें बटन लगाए हैं। एंड ये जो कपड़ा है फ्रेंड्स, ये सलवार का बचा हुआ कपड़ा था। एंड जो आप सी ग्रीन कपड़ा देख रहे हैं, ये भी सलवार में से बचा हुआ कपड़ा है। एंड ये जो कपड़ा था, ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है। फ्रेंड्स, वीडियो में ये थोड़ा रेड कलर आ रहा है, बट ये रेड कलर नहीं है, ये मजेंटा कलर है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इस टाइप की यूनिक एंड स्टाइलिश वीडियो देखने के लिए। एंड मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, एंड शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग मेरी वीडियो को देख के सिलाई सीख सकें। ये सब करना फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री है, तो आप कर दीजिए, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे ही फॉलो कर सकती हैं, भावना यादव स्टिचिंग बुटीक पे। वहाँ पे भी मैं अपनी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे ही फॉलो कर सकते हैं। अपनी फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम बचे हुए टुकड़ों में से अपने लिए एक ब्यूटीफुल सी कुर्ती तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो पहले शेयर की हुई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, उसमें मैंने कटिंग करने का तरीका बताया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पोर्शन है। एंड मैं इस कुर्ती में राउंड कॉलर बनाने वाली हूँ। इस टाइप की कुर्तियों में राउंड कॉलर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसे फोल्ड करके रख लिया है। अब इसमें हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच की रखने वाली हूँ। ऐसे हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। एंड जो इसकी गहराई है वो 4 इंच की रखने वाले हैं। यहाँ भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे एंड इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे हम एक राउंड शेप दे देंगे ऐसे करके। एंड मैं इस नेक में जो कट लगाने वाली हूँ, 4 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगाया था, अब ऐसे ही अगेन मैं 4 इंच पे और निशान लगाऊंगी। एंड यहाँ पे हम एक सीधा कट मारेंगे इसमें ऐसे स्ट्रेट। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया है, इसमें एक सीधा कट लगा देंगे। ये देखिए, इस टाइप से। ये मैंने पट्टी ली है, इस पट्टी को हमें ऐसे सीधी साइड पे रखेंगे एंड ऐसे पलट के यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसे हम ऐसे उल्टा करके यहाँ पर कट लगा देते हैं। फ्रेंड्स, कट लगा के हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है पीछे की साइड पे। फ्रेंड्स, इसमें हम ऐसे पाइपिंग दिखाएंगे। अभी मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई है, बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग दिखाते हुए हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा, इसमें हम तुरपाई करेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए। पहले मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ बिल्कुल बारीक बारीक सी पाइपिंग दिखाते हुए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है एंड काफ़ी ज़्यादा सफाई से हमने सिलाई लगाई है। इसमें काफ़ी अच्छी पाइपिंग आ गई है हमारी। एंड बैक साइड पे हम इसमें तुरपाई कर देंगे। अब अपने फ्रंट पोर्शन को हम बैक पोर्शन पे अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पोर्शन है एंड ये फ्रंट पोर्शन, इसे हम ऐसे रखते हुए इनके शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगा लेती हूँ मैं। हमने कुर्ती के शोल्डर अटैच कर लिए हैं एंड बैक साइड पर हमें 1 इंच की कट देनी है। फ्रेंड्स, हमने कट दे दिया है यहाँ पे 1 इंच का। अब हम इंची टेप से अपनी नेक की जो राउंड है इसे नाप लेंगे। हम इंची टेप ऐसे रखना है एंड इसे आराम आराम से ऐसे नाप लेंगे हम नेक की गोलाई को। फ्रेंड्स, हमारा जो राउंड कॉलर बनेगा वो 17.5 इंच का बनेगा, ये देखिए। तो मैं इसे 17.5 इंच पे बुकरम का कॉलर कट करूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने बुकरम ली है। इस बुकरम को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे एंड इस बुकरम की पूरी लंबाई 14 इंच की है, ये देखिए। अब इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे एंड ऐसे नापते हुए 6 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे।
यहाँ पे भी हमें चेंज का नापना है एंड इस निशान को हम ऐसे सीधा कर देंगे। एंड 4 इंच की हमने अपने गले की गहराई रखी थी इसलिए हम ऐसे 4 इंच नाप लेंगे, ऐसे ऐसे सीधा कर देंगे, देखिए ऐसे। एंड यहाँ पे हम ऐसे गोलाई दे देंगे एंड ये हमारे पास 1 इंच का रह गया है फ्रेंड्स, 1 इंच की हमारे पास पट्टी रह गई है। पूरे में हम 1-1 इंच ऐसे नापते रहेंगे एंड जो हमने गोलाई दी है इसके किनारे किनारे भी हमें 1 इंच का ऐसे नापना है एंड ऐसे निशान लगाते जाएंगे। ये जो हमारा बाहर का निशान है इस निशान पे हम कट कर देंगे, देखिए फ्रेंड बाहर से हमने इसे कट कर लिया है। अब इसे हम नाप लेंगे, हमारी गले की जो कॉलर है वो 17.5 इंच का बनेगा। सबसे पहले हम इंची टेप को ऐसे 17.5 पे ले लेंगे एंड इसे ऐसे फोल्ड करके ये देखिए हमें 9.25 इंच का हमें बुकरम लेना है आधे में, तो मैं इसे ऐसे नाप लेती हूँ। ये देखिए मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ, बाद में हम इसे प्रॉपर कर लेंगे। एंड यहाँ से हमें ऐसे गोलाई देनी है जैसे कि मैंने दी है एंड इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कॉलर कट चुका है, कपड़े पे अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास ये पट्टी है, इस पर हम अपने कॉलर को ऐसे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, अब हमें ये जो हमारा बाहर का साइड का कपड़ा है इसे हम ऐसे फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स हमने इस कपड़े की पट्टी पे सिलाई लगा ली है ऐसे फोल्ड करते हुए, अब हमें ऐसे ही एक और कपड़े की पट्टी लेनी है। ये मैंने कपड़े की पट्टी ली है एंड मैंने इसमें जोड़ लगाया है, ये जोड़ हमारा दिखेगा नहीं क्योंकि ये कॉलर के अंदर आ जाएगा। अब इसे पट्टी को हमें ऐसे रखना है एंड यहाँ पर हमें सिलाई से पक्का करके अंदर की साइड पे ऐसे सिलाई लगा देनी है यहाँ तक। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे आधा आधा इंच दोनों साइड पे छोड़ते हुए। देखिए फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर ली है, अब हम कॉलर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने फोल्ड कर लिया अपने कॉलर को एंड मैं इसमें एक बैठने वाली सिलाई लगा देती हूँ ताकि हमारे कॉलर की जो पट्टी है वो उठी उठी ना रहे। फ्रेंड्स हमने ये बैठने वाली सिलाई लगा ली अपने कॉलर पे, अब अपने कॉलर को हम अपनी कुर्ती पे अटैच करेंगे। फ्रेंड्स हमें अपनी कुर्ती को लेना है एंड उल्टी साइड से लेना है हमें एंड ऐसे रखते हुए हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम ऐसे रखेंगे एंड यहाँ पे सिलाई चला देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ये सारा कपड़ा हमारा कॉलर के अंदर आ जाएगा। पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ पूरे गले पर ऐसे कॉलर को लगाते हुए। फ्रेंड्स हमने ये सिलाई लगा ली है ऐसे कॉलर को रखते हुए, अब हमें ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम ऐसे अंदर को फोल्ड करके ऊपर से बिल्कुल किनारे किनारे पे कॉलर पे सिलाई चला देंगे। पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स हमने कॉलर पे सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स मैंने इसे बिल्कुल सेट करके रख दिया है, अब इसमें हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है, ये देखिए अब इसी पे हम सिलाई चला देते हैं। हमने अपनी कुर्ती में फिटिंग की सिलाई लगा दी है। फ्रेंड्स अब हम ये जो हमारी कुर्ती के पल्ले हैं इन पे हम ये पट्टी लगाएंगे, ये पिंक वाली पट्टी हम बैक पोजिशन पे लगाएंगे एंड मेरे पास ऐसी 2 पट्टियां हैं, इन्हें हम ऐसे लगा देंगे पट्टियों को एक नीचे एंड एक ऊपर एंड ये ग्रीन कलर की पट्टी हम फ्रंट पोजिशन पर लगाएंगे। तो पहले मैं दोनों साइड पर पट्टियाँ लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने पल्ले पे ऐसी पट्टियाँ लगा ली हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है, देख सकते हैं आप। अब हम साइडों में से फोल्ड कर देंगे अपने पल्लों को। देखिए फ्रेंड्स हमने पल्लों पे अभी कच्चा कर लिया है, बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव है एंड ये मैंने पट्टी कट करी हुई है, यहाँ पर हम इस पट्टी को ऐसे सील लेंगे सीधी सिलाई लगा के। तो पहले मैं सील लेती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, अब हम सिंपल इसे आगे से ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे सीधी एंड ऐसे मोड़ते हुए एक फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स हमने इसमें सिंपल फोल्ड करके
फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब अपनी स्लिप को हम कुर्ती पर अटैच करेंगे। ये हमारी कुर्ती है फ्रेंड्स, एंड ऐसे हम अपनी स्लिप को यहाँ पर अटैच कर लेते हैं दोनों स्लिप को। फ्रेंड्स मैंने अपनी कुर्ती में स्लिप लगा ली है, एंड पल्लों पे हमने इसमें तुरपाई भी कर दी है फ्रेंड्स। एंड डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें ऐसे 3 बटन लगाए हैं। फ्रेंड्स हमारी कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड स्टाइलिश कुर्ती बनी है। एंड फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी देखने से नहीं लग रही है कि ये स्टिच की हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती है ये। एंड मैंने इसे ट्राई भी किया है अभी, इसकी बहुत अच्छी फिटिंग आई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपके पास भी इस टाइप से कुछ टुकड़े पड़े हैं जो बच जाते हैं कपड़ों में से जो हम सूट सिलते हैं, आप भी अपने लिए इस टाइप से ब्यूटीफुल सी कुर्ती प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड काफ़ी इजी तरीके से मैंने इसे बनाया है। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग मेरी वीडियो से आइडियाज़ ले सकें, सीख सकें। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की स्टाइलिश एंड यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।